नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपका स्वागत है सत्ता का संग्राम में। आज हम बात करेंगे एक बहुत गंभीर मुद्दे पर जिस पर सोचने की भी जरूरत है और काम करने की भी जरूरत है और इस पर भी विचार करना है कि क्यों आज एक लॉबी शांत है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण के सबसे बड़े सिंडिकेट पर सबसे बड़ी चोट की है तब से कुछ लोगों को साफ सुन गया है। जब सिंडिकेट पर चोट की गई थी तो सबसे पहले तो लगा था कि इस पर सभी पार्टियां सभी दल राजनीति को दरकिनार करते हुए एक साथ आएंगी और एक साथ आकर बोलेंगी कि यह इतनी बड़ी जिहादी मानसिकता इतनी बड़ी जिहादी सोच जिस पर यूपीएटीएस ने चोट की है उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन राजनीति है और दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये मुसलमानों को भोले भाले मुसलमानों को सताया जा रहा है तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस्लामिक व्याख्यान देने वाले एक बड़े पुरुष को महापुरुष को इस तरीके से परेशान करना योगी आदित्यनाथ की सरकार की मंशा को दिखाता है। तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती वो ये है कि इसमें भोले भाले मासूम सामान्य मुसलमान इन लोगों का नाम कहां से आता है, इन लोगों का जिक्र कहां से आता है, सामान्य आम मुसलमानों का जिक्र कहां से आता है, उनको परेशान किए जाने की बात कहां से निकल कर आती है। दर्शकों, आपको जैसा कि पता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो पिछले 15 सालों से धर्मांतरण का धंधा चला रहा था भारत में, वो ऐसे ऐसे लोगों को जो गरीब तबके थे जो मूक बधिर थे उन लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उनको बदल रहा था, उनका इस्लामीकरण कर रहा था और इस पर सबसे बड़ी चोट करती यूपीएटीएस ने। यूपीएटीएस ने उसे धर दबोचा है और अब जब धर दबोचा है तो राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि अगले साल 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने हैं तो इसको लेकर राजनीति गर्म है। लेकिन इससे पहले हम आपका जरा तारुफ करा दें कि ये शख्स मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं कौन, जिनको पकड़ा गया है और जिनको लेकर विपक्षी पार्टियां इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा बिलबिला रही हैं, उनको मासूम बता रही है, उनको इस्लामिक स्कॉलर बता रही है। इनसे आपका तारुफ कराऊं तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है बड़ा नाम है, मजहबी तकरीरें देते हैं, मोहब्बत तो 24 घंटे इनकी जुबान से टपकती है और काफी पढ़े लिखे बताए जा रहे हैं। दर्शकों, मेरठ से बीएससी की डिग्री ली हुई है और उम्र यही कुछ 63-64 साल की बताई जा रही है। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी जिहादी तबीयत के इंसान है, बीते 15 सालों से सिंडिकेट चला रहे थे, बीते 15 सालों से फैक्ट्री चला रहे थे जहां पर भोले भाले लोगों को, मासूम लोगों को, मूक बधिर लोगों को, गरीब तबके से आए लोगों को, गुर्बत में जिंदगी जी रहे लोगों को डर दिखाकर कभी लालच देकर उनका इस्लामीकरण कर रहे थे, उनको अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे थे और ये जिहादी मानसिकता के मौलाना कलीम सिद्दीकी को अब यूपीएटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ जारी है और बड़े एक्सपोज जल्द ही होने वाले हैं ऐसा पुलिस की ओर से कहना भी है। तो जिहादी तबीयत के जो शख्स हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी, इनका मानना है, इनकी सोच बता रहा हूं दर्शकों, इनका मानना है कि एक दिन में 1,24,000 लोग नरक की आग में जल जा रहे हैं। इनका कहना है कि मुसलमान बन जाओ जन्नत पा जाओ, यह ऑफर बांट रहे हैं, सरेआम ऑफर का बंटवारा चल रहा है कि आइए मुसलमान बनिए, इस्लाम को कबूल करिए और आप जन्नत की सैर करिए। तो जन्नत में जाने का ऑफर दिखाकर किस तरीके से भोले भाले लोगों को लगातार डर दिखाकर लालच दिखाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस धर्मांतरण के धंधे पर अब चोट लगी है। 15 सालों से प्रशासन की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे पता नहीं कितने ही लोगों को, हजारों लाखों लोगों को धर्मांतरण कराया गया, उनको इस्लाम में बुलाया गया, उनको डर दिखाया गया, उनको धमकाया गया, उनको लालच दिया गया, तरह तरह का लालच। दर्शकों, कितनी गंभीर बात है ये कि मूक बधिर मासूमों को तक नहीं बख्शा गया, उनको भी लालच दिया गया, उनको भी डराया गया, उनको भी मिलाया गया। और इसकी पूरी जानकारी यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और ये साहब अब जिंदगी की सैर करने के लिए तैयार है। जहां ये दूसरों को जन्नत का ऑफर देते थे, अब इन्हें यूपी पुलिस जेल का ऑफर देके बैठी है, तो अब जेल में जाने के लिए तैयार है। आपको और बता दें कि अभी तक मौलाना कलीम सिद्दीकी का टारगेट, जो इनकी बात कही जा रही है,
इनका टारगेट था कि पूरी धरती को, पूरे विश्व को मुसलमान बनाना है, ये इनका टारगेट था, दैट्स व्हाट हिज गोल। तो ये उनका टारगेट था कि पूरी धरती को, पूरे विश्व को मुसलमान बनाना है। लेकिन भारत में अब तक बताया जा रहा है कि 15 सालों से अब तक इन्होंने 5 लाख से ज्यादा अवैध धर्मांतरण कराए हैं। धर्मांतरण के लिए कोई भी नियम कानून विधान संविधान की धज्जियां तक उड़ा सकते हैं। इनका एक मकसद है, खुला मकसद है कि सबको मुसलमान बना दो। और इन्होंने यह बीड़ा उठाया, बीड़ा लेकर चले, लेकिन 15 साल के बाद यूपी एटीएस ने इनके बीड़े पर मट्ठा डाल दिया, इनको पकड़ लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों को, सभी पार्टियों को, सभी तरह के लोगों को एक साथ आना चाहिए था और यूपी पुलिस को, यूपी एटीएस की वाहवाही करनी चाहिए थी, उनका समर्थन करना चाहिए था, वहीं ये लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बयान दे रही हैं, कह रही हैं सामान्य मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी शख्स पर धर्मांतरण का आरोप लगा है, 15 सालों से धर्मांतरण की बात कही जा रही है, जिसके पीछे यूपी एटीएस के पास फुल प्रूफ सबूत भी है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन राजनीति इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। आप सोचिए, इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि अभी महज आरोप लगा है, जब वीफ की बात होती है, जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं, तो एक पल सोचे बिना यही लोग सीधे तौर पर एक कम्युनिटी को, सीधे तौर पर एक समाज को, सीधे तौर पर एक राजनीतिक पार्टी को आरोपी साबित करते ही नहीं, बल्कि उन्हें दोषी भी बना देते हैं। इसी पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस, और इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। उन मेहमानों से भी आपका तारुफ करा देता हूं, जो मेहमान आज हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे, जिनसे चर्चा की जाएगी। गौरव मिश्रा साहब प्रवक्ता बीजेपी के हैं, शहाबुद्दीन सैफी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता सपा से हैं। तो ये मेहमान हैं जो आज हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा होगी, ज्यादा बहस होगी। तो विदेशी फंडिंग के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल अभी चर्चा में जोड़ेंगे हम लोग। गौरव मिश्रा साहब हैं, शहाबुद्दीन सैफी साहब हैं, कीर्ति निधि पांडे हैं, इनका तारुफ एक बार और करा देता हूं। गौरव मिश्रा प्रवक्ता जो बीजेपी के बताए जा रहे हैं, वहीं शहाबुद्दीन सैफी साहब मुस्लिम स्कॉलर बताए जा रहे हैं, कीर्ति निधि पांडे जो है प्रवक्ता सपा बताई जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। आप सभी को मेरी आवाज मिल पा रही है? गौरव मिश्रा साहब, शहाबुद्दीन सैफी साहब, कीर्ति निधि जी, जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी, सबसे पहले गौरव मिश्रा साहब के पास आऊंगा, सबसे पहला सवाल उनसे होगा। गौरव मिश्रा साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी तो पकड़े गए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप भोले भाले मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि आप किसी को भी आरोपी बना रहे हैं, किसी को भी पकड़ रहे हैं, और किसी पर भी कोई भी आरोप लगाकर उसको जेल के पीछे डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ही इज मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम है। तो ये क्या आपकी वोटों की राजनीति है, क्योंकि चुनाव 6 महीने के अंदर आने वाले? जी गौरव मिश्रा साहब, जी गौरव मिश्रा साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष कह रहा है भोले भाले मुसलमानों को पकड़कर जेल में डाल रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा राजनीति की है, क्योंकि चुनाव सर पर है। देखिए, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा इस देश का, जब तक राजनैतिक सरपरस्ती इन आतंकियों को मिलती रही है, इनका खुला खेल इस देश में चलता रहा है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश में बम विस्फोटों का एक माहौल बना हुआ रहता था, लेकिन आज ये पकड़ लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई नई गिरफ्तारी है, कलीम सिद्दीकी के पहले भी इसके जो तार जुड़े हुए थे जिन लोगों से, चाहे वो उमर गौतम हो या मुफ्ती काजी हो, ये पहले गिरफ्तार हुए थे, और इनके साथ विदेशी फंडिंग जुड़ी हुई है, और ये धर्मांतरण का खेल और बहुत सारे मदरसों को फंडिंग करने का काम भी ये किया करते थे, और प्रलोभन दे करके धर्मांतरण करवाना और एक प्रकार से रेडिकलाइज करना युवाओं को, ये इनका काम रहा है। और लगातार जब से हमारी सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आई है, ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं और कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं अपनी सुरक्षा एजेंसियों के प्रति, जिनके मुस्तैदी के कारण ऐसे लोग समय रहते दबोचे जा रहे हैं, जिससे बड़ी घटनाएं रोकी जा पा रही हैं और देशवासी सुरक्षित रह पा रहे हैं।
मुझे लगता है कि इसको एक अनुकूल दिशा में सोचना चाहिए, चूंकि पूरा समाज ऐसा नहीं है। यदि हम उनके समाज अल्पसंख्यक समाज से भी देखें तो ये कुछ प्रतिशत लोग हैं जो इस तरीके का रेडिकलाइजेशन का काम करते हैं और पूरी कौम बदनाम होती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो भी गैर कानूनी काम, धर्मांतरण जैसे काम, प्रलोभन दे करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का काम करेगा, उस पर हमारी एजेंसियां कार्यवाही करेंगी और कानून सम्मत उनके ऊपर कार्यवाही होगी और वही हो रही है। लेकिन इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए विपक्ष अपने आप को उसमें झोंक देता है और अपने लिए वोटों की उम्मीद खोजने लगता है। आज ही देखिए, एक मदरसे ने और एक मुस्लिम संगठन ने फतवा जारी किया है कि अब मुस्लिमों का वोट सिर्फ मुस्लिम को जाएगा। तो इस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है, इस प्रकार का जो रेडिकलाइजेशन पैदा किया जा रहा है उसमें जो राजनीतिक सहयोग और सपोर्ट इनको मिलता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है गौरव साहब, ये बताइए, इसमें सीधी सी बात है कि कानून का उल्लंघन किया गया है, कोई व्यक्ति कोई शख्स अगर जबरदस्ती, अगर लालच देकर, किसी भी तरह से डरा कर, धमका कर या जन्नत की सैर का ऑफर देकर अगर किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो ये जुर्म है। इसमें हिंदू मुसलमान आप तुरंत क्यों ले आते हैं? इसके साथ ही जो अगला है वो ये सवाल है आपसे कि 15 सालों से ये शख्स धर्मांतरण करा रहा था। चलिए पिछली सरकारों की बात भूल जाइए, अभी 4.5 साल से आप सत्ता में हैं, 4.5 साल का वक्त क्यों लग गया इसको पकड़ने में जब ये इतनी तेजी के साथ धर्मांतरण कर रहा था कि 5 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है, तो आपको 4.5 साल क्यों लग गए? चुनाव सर पर है इसलिए अब गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, आप देखिए, जब से हमारी सरकार आई है लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही हुई है, ऐसे लोग जेल गए हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं या इस प्रकार के जो सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन के रूट होते हैं उसका प्रयोग करने वाले जो लोग रहे हैं वो भी पकड़े गए हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाहियां हुई हैं। चुनाव को एक बुलेट प्रूफ की तरह इस्तेमाल करना और ये कहना कि नहीं चुनाव के कारण ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके सुरक्षा के साथ, विशेष करके आंतरिक सुरक्षा के साथ, सामाजिक सुरक्षा के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई है, कोई नेता के कार्रवाई नहीं कर रहा, और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है। 57 करोड़ की फंडिंग जब ट्रांसफर होती है और उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई बनती है और एजेंसियों ने कार्रवाई की है, उसमें कहां राजनीति दिखाई दे रही है। ठीक है गौरव साहब, ठीक है, अब मैं कीर्ति निधि पांडे जी के पास जाना चाहूंगा, प्रवक्ता है सपा से। आप ये बताइए कि धर्मांतरण के आरोपी किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है तो ये तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि धर्मांतरण का काम जो आपके प्रदेश में इतने सालों से चल रहा है, पूरे देश जो इसकी जद में है, अगर वहां गिरफ्तारी हुई है तो वहां गिरफ्तारी में आपको मुसलमान कैसे दिख गया? आप क्यों कहते हैं कि आम मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ये साजिश है? इसमें आम मुसलमान कहां से आ गया? देखिए काविंद्र जी, जब से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अगर उसकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे तो एक बात साफ है कि लगातार 4.5 वर्षों में अल्पसंख्यकों का उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पीड़न हुआ। तमाम निर्दोष लोग जेल में हैं और तमाम आरोपों में गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम SIT गठित हुई, लेकिन एक भी SIT टीम की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई, किसी भी मामले में नहीं आई। और अगर कहीं धर्मांतरण चल रहा, सवाल 15 साल का नहीं, सवाल 4.5 साल का है, अगर 4.5 साल में योगी जी की सरकार में भी धर्मांतरण चलता रहा तो सरकार जिम्मेदार। तो अब गिरफ्तारी हो गई ना, तो अब तो तालियां बजा दीजिए, अब गिरफ्तारी हो गई, अब तो गिरफ्तारी हो गई ना साहब, विदेशी फंडिंग हो रहा है। कीर्ति जी, कीर्ति निधि पांडे साहब, अब तो गिरफ्तारी हो गई, अब तो वाहवाही कर दीजिए। चलिए 4.5 साल नहीं हुई, अब तो हो गई, अब क्या समस्या है? मैं काविंद्र जी बता रहा हूं, अगर 4.5 साल गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अभी आपको एक गिरफ्तारी दिखी है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि चुनाव आते आते कई गिरफ्तारियां होंगी मुसलमानों की। तो ये तो अच्छी बात है, चुनाव से क्या संबंध है? अच्छी बात है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, और इसलिए ध्रुवीकरण करना चाहती है कि सभी मुद्दों पर योगी सरकार फेल हो चुकी है, इसमें इसलिए अभी कई गिरफ्तारियां होंगी, कई डिबेट होंगे। ठीक है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर विदेशी फंडिंग हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा हो, चाहे बांग्लादेश से आ रहा हो, चाहे अमेरिका से आ रहा हो, बिल्कुल, चाहे जापान से आ रहा हो, चाहे
जा रहा हूं जी बिल्कुल, और उस फंडिंग का गलत इस्तेमाल, ठीक है ठीक है, आपका तो जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, योगी सरकार जिम्मेदार है उसके लिए, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, ठीक है, तो ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं इस तरीके की कार्रवाई के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, अल्पसंख्यकों का जहां तक सवाल है प्रियंका, मैं आपको बता रहा हूँ केवल एक सिद्दीकी साहब की आज गिरफ्तारी है, अभी चुनाव आते आते ऐसी कई गिरफ्तारियां होंगी, ठीक है, ठीक है, कीर्ति निधि केवल कीर्ति निधि पांडे साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, पांडे साहब आपका वर्जन मिल गया मुझे, आपने बताया कि चुनाव आते आते ऐसी कई गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी, आपसे सवाल है कि कीर्ति जी आप ये बताइए कि चोर का कोई धर्म होता है? हाँ या ना बताइए, चोर का कोई धर्म होता है जी? चोर का कोई धर्म होता है? चोर का कोई धर्म नहीं देता। आतंकवाद का धर्म होता है? ठीक है, आतंकवाद का धर्म होता है? नहीं होता, नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर कोई शख्स कुछ गलत काम कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो इसमें आप उसको दोषी मानने के बजाय, आरोपी मानने के बजाय उसका धर्म पहले क्यों पकड़ रहे हैं? किसी महापुरुष की कोई जाति धर्म होती है? बिल्कुल नहीं होती। आप अभी अलीगढ़ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे, उनके आगे क्यों लगाना पड़ा जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह? आप परशुराम जी की मूर्तियां क्यों लगा रहे हैं? क्यों उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे। कीर्ति निधि पांडे साहब, मैंने बस आपसे इतना पूछा, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, आप सरकार की नियत को नहीं भाप सकते। ठीक है कीर्ति निधि साहब, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इसमें आप पहले शख्स जो आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसको क्यों नहीं देखते? आप उसमें धर्म कहां से ढूंढ रहे हैं? उसमें धर्म को क्यों चिन्हित कर रहे हैं? ठीक है, आपका टेक मुझे मिल गया, आप पर आऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले शाहबुद्दीन सैफी साहब से बात कर लेता हूं। शाहबुद्दीन साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तो काफी खुश हुए होंगे, आपको तो काफी अच्छा लगा होगा कि चलिए ठीक है, एक शख्स जो आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर का नाम लेकर इस तरीके का गलत काम कर रहा था, इस तरीके से लोगों को गलत संदेश पहुंचा रहा था, इस तरीके से आपके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इस तरीके से अल्लाह का डर दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, इस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर का नाम लेकर वो गलत काम कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है, तो आप तो खुश होंगे मेरे हिसाब से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी धर्म परिवर्तन की हमारे देश में कोई मनाही नहीं है, कोई किसी धर्म को मान सकता है, कैसे भी मान सकता है, सब लोग स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी को भी मान सकता है, बिल्कुल रही। जैसे आपने मेरे को बात बताई कि जबरदस्ती किसी इंसान को आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, क्योंकि वो उसकी अपनी इच्छा होती है, अपनी इच्छा से ही वो धर्म परिवर्तन करता है। जबरदस्ती आप किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि वो भैंस नहीं है, कोई जानवर नहीं जो उसको बांध के आप धर्म परिवर्तन करा दे। रही दूसरी बात कि आप कह रहे कि 15 साल से धर्म परिवर्तन कर रहा था, देखिए हिंदुस्तान में कानून नाम की चीज है, अगर आदमी इतने समय तक धर्म परिवर्तन करा रहा है तो ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, और अगर गलत तरीके से कोई धर्म परिवर्तन करा रहा तो उसको उठाकर जेल भेजा जाए, कानून में प्रक्रिया है। शाहबुद्दीन साहब माफ कीजिएगा, आपको रुकना पड़ रहा है, आपने जो दो लाइनें, जो दो शब्द, दो बातें अभी कही हैं, दोनों आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने पहले कहा कि धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया ही नहीं जा सकता, उसके बाद आप दूसरी लाइन कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है, तो इसमें सरकार की गलती है। आप पहली लाइन में कहते हैं हो ही नहीं सकता, सुनिए, मैं वही बात कर रहा हूं, पहली लाइन में बोला कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता है, दूसरी लाइन में बोलते हैं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, आप फंस गए, मानते हैं कि नहीं, आप फंस गए? नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप सरकार जिम्मेदार इसलिए है कि 15 साल अगर जबरदस्ती था तो क्यों हुआ, अगर जबरदस्ती नहीं था, अभी चुनाव आया है इसलिए वो जबरदस्ती हो गया, ऐसा नहीं है। किसी भी आदमी को आप, आज के टाइम में हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी जानता है मेरा धर्म क्या है, मुझको क्या मानना है, और मेरे को आज खाने की आजादी है, वैसे ही धर्म की आजादी है कि मेरे को किस धर्म को मानना है, किसको नहीं मानना, ये किसी पर आप थोप नहीं सकते, आप मुझको नहीं थोप सकते, ठीक है ना, आप किसी के ऊपर ये थोपने वाली चीज नहीं है, ठीक है, कि आप किसी के ऊपर थोक दो उसको और वो थूक जाएगा।
ठीक है शाहबुद्दीन किसी के कहने से मानेगा, बिल्कुल बिल्कुल, धर्म की हर किसी को आजादी है, ठीक है। शाहबुद्दीन सैफी साहब, एक चीज आपसे छोटी सी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि सरकार की गलती है, अगर धर्म परिवर्तन वो 15 सालों से कर रहा था तो सरकार की गलती है और चुनाव पास आ रहे हैं इसलिए ये गिरफ्तारी हुई, आपने ऐसा ही कहा, मैंने सही सुना? सुनिए, ये 4.5 साल से क्या कर रहे थे? ठीक है, नहीं 15 साल से आदमी कोई क्राइम कर रहा है, 15.5 साल से अगर ये क्राइम कर रहा है तो 4.5 साल सरकार क्या कर रही थी? अभी गौतम और पीछे दो पकड़े गए थे, उनके साथ क्यों नहीं पकड़े गए? ठीक है, और पहली बात, आपको इसको 15 साल लग जाएगा कोर्ट में साबित करने के लिए कि इन लोगों ने कराया है नहीं कराया। ये 15 साल में जब छुटकर आएगा तो उसका जवाब कौन देगा कि जबरदस्ती करा रहा था या वैसे हो गया? उसका भी ऑप्शन होना चाहिए ना सरकार के पास। अगर कानून के पास आपको गिरफ्तारी का ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे केस है पिछले, मैं आपको 10 साल के सुना दूंगा, जो लोग 10-10 साल 15-15 साल जेल में रहने के बाद छुट कर आए और वो कोर्ट ने बोल दिया कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं, इनको बातचीत भरी किया जाता है, उन्होंने 10-10 साल 15 साल जो खराब किए हैं उनका कौन जवाब देगा? ठीक है ठीक है ठीक है, शाहबुद्दीन सैफी साहब ठीक है, आपने जो बात कही ठीक है, आपने कहा कि 4.5 साल से सरकार कहां सोई थी, तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया, अचानक चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी हुई है, आपने यही कहा है, मैंने सही सुना? हाँ या ना? जी 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 बिल्कुल सही सुना। ठीक है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, कोई भी राजनीति, एक मिनट मेरे को सुन लीजिए, मुझको सुन लीजिए, सरकार तो एक ही रहती है, सरकार कहीं नहीं जाती, सरकार प्रदेश में रहेगी ही रहेगी, पार्टियां बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, सरकार आज किसी की है कल किसी की होगी, तो आपको खुश होना चाहिए इस नजर से कि एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी की गई जो आपके जिस कपड़ों को पहनते हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, उसको वो व्यक्ति बदनाम कर रहा था, मुस्लिम स्कॉलर की आड़ में वो गलत धंधा चला रहा था, अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो आपको खुश होना चाहिए, सरकार से आपका क्या? कल को अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अगर ये गिरफ्तारी होती और कहा जाता कि ये 8 सालों से ऐसा कर रहा था, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, आपको सरकार से क्या फर्क पड़ेगा? आज भी सुनिए, आज भी फर्क नहीं पड़ेगा, कल भी फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए शासन बदलता है प्रशासन नहीं बदलता, ठीक है, प्रशासन का नजरिया बदलना ही इश्तेबाक पैदा करता है, क्योंकि इस तरह की घटना आदमी को नहीं करनी। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ने क्राइम किया है, ठीक है, वो किसी भी जाति का हो, मैं उसको नहीं मानना, ये मुस्लिम स्कॉलर है या मुस्लिम मौलाना है, मैं उसकी बात नहीं कहूंगा, मगर इन लोगों ने अगर ऐसा किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ उसका प्रावधान है, उसको सजा मिलनी चाहिए, मगर मसला वो नहीं, देखिए टाइमिंग का मसला है, जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग का मसला है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसने गलत नहीं किया, अगर किया है चुनाव से, अरे शाहबुद्दीन साहब, शाहबुद्दीन साहब अगर चुनाव से एक दिन पहले भी ये गिरफ्तारी हो जाती तो समस्या क्या है? धर्मांतरण का कोई रैकेट चला रहा है, कोई इतना बड़ा गलत काम कर रहा है, कोई लोगों को जबरदस्ती धर्म का डर दिखाकर, कोई जन्नत की सैर का ऑफर देकर, कोई किसी को लालच देकर अगर उसका धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करा रहा है, उसको अगर चुनाव से एक दिन पहले गिरफ्तार किया जाए या चुनाव के एक दिन बाद गिरफ्तार किया जाए, इससे फर्क क्या आता है? मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूं आपसे। सर टेक्नोलॉजी के जमाने में कौन सी बात कर रहे हैं आप? अगर एक बच्चे को आप अभी ये बोल दो बाहर के 1 रुपया लेकर ये काम कर ले, वो नहीं कर पाएगा बच्चा 10 साल का। आप बड़े बच्चों की बात कर रहे हो, उनको जबरदस्ती धर्म उत्तर करा गया, एक फोन में अगर वो मैसेज करेगा कि मेरे को ये जबरदस्ती कर रहा है तो कानून में, अभी आप 112 पे कॉल करिए, आपके 5 मिनट आपके पास पुलिस आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, जो अखिलेश जी ने आपको 112 दी थी, जिसको 100 का 112 बना दी गई, उसको आपने दी थी, 112 पे कॉल करोगे तो 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी, जबरदस्ती कहां से हो गई? ठीक है शाहबुद्दीन साहब, आपसे छोटा सा एक बात में छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, ये बताइए धर्मांतरण जो है वो होते हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण होते हैं कि नहीं, आपको ये बात का इल्म है, बात की जानकारी है कि होते हैं? देखिए मेरी बात सुनो, आप बार बार कह रहे हैं कि होते ही नहीं, होते हैं, बिल्कुल ही कह रहे हैं होते ही नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, नहीं होते, सुनिए मैंने नहीं कहता, हिंदुस्तान का 50% मुसलमान कन्वर्ट होकर बना हुआ है, ये आज नहीं है, ये पुरखों चला रहा, ये कोई बात नहीं है, ठीक है चलिए, लोगों के साथ अत्याचार हुआ, जुलम हुआ है, उन्होंने को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उनको कहीं जाने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि ये धर्म बढ़िया, मैं इसमें जा रहा हूं, ठीक है, जब मंदिरों में आपने घुसने नहीं दोगे किसी को, वो धर्म प्रतिबंध नहीं करेगा, क्या करेगा?
ठीक है, आप मंदिर में घुसने के 32,000 रुपया लोगे। अभी कर्नाटक की एक घटना है, एक परिवार का बच्चा 6 साल का मंदिर में घुस जाता है और उसको 32,000 रुपया जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है गौरव मिश्रा साहब, आपकी बात का जवाब देंगे। ठीक है, अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई वहां पर। ठीक है, ठीक है शाहबुद्दीन साहब, ठीक है गौरव मिश्रा साहब आपकी बात का जवाब देंगे। गौरव मिश्रा जी, ये तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, सीधे सीधे गौरव मिश्रा साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी जो कि यहां सत्ता में है उसने जानबूझकर, क्योंकि चुनाव सर पर है इसलिए एक आम मुसलमान को उठाकर जेल में डाल दिया है। इनका कहना है धर्मांतरण जैसी कोई चीज हुई नहीं, आपने ये साजिश करी है पोलराइज करने की, वोट्स को पोलराइज करने की और चुनाव को देखते हुए ये सब आपने किया है। देखिए शहाबुद्दीन ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, उसको मैं उद्धरण करना चाहता हूं जी। एक तो इन्होंने कहा कि धर्म अख्तियार करने का किसी को भी स्वतंत्रता है, वो कोई भी धर्म में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे खुला लाइसेंस मिल जाए कि वो धर्म परिवर्तन की दुकान खोल ले, नंबर वन। और दूसरा, इन्होंने खुले तौर पर जिहादी भाषा का इस्तेमाल किया है और आपके चैनल पे बैठ करके खुले रूप में इन्होंने कहा कि ये धर्म अच्छा है, इस धर्म में क्यों ना जाए। इनके पास क्या प्रमाण है कि इनके पुरखों के साथ हिंदू धर्म में अनाचार हुआ है, कदाचार हुआ है? अरे शासन नहीं, अपने धर्म को, अपने धर्म को गौरव मिश्रा साहब, अपने धर्म को अच्छा बताने का अधिकार हर किसी को है। 800 साल इन लोगों ने जो है आक्रांताओं के रूप में इस देश को प्रशासन किया है, विभिन्न क्षेत्रों में, भूखंडों में अगर देखा जाए तो टुकड़ों में, और फिर ये किस तरीके से इस तरह की बात कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अरे गौरव मिश्रा साहब आपको यही रोकना चाहूंगा, गौरव मिश्रा साहब हर किसी को अपने धर्म को, हर किसी को अपने धर्म को अच्छा बताने का, पूजा पद्धति का पूरा अधिकार है। और दूसरी बात गौरव मिश्रा साहब, आप कहां आक्रांता हो, जो मुस्लिम आक्रांता, एक मिनट शाहबुद्दीन जी बात सुनिए, एक मिनट गौरव मिश्रा साहब से बात करना चाहूंगा। गौरव मिश्रा साहब, आप भारतीय मुसलमानों को उन मुस्लिम आक्रांताओं से जोड़कर देख रहे हैं जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया, जिन्होंने लूटपाट की, हमारे देश में मंदिर तोड़े, हर चीज की, उन मुसलमानों से आज भारतीय मुसलमानों को आप कैसे जोड़कर देख सकते हैं? भारतीय मुसलमान हिंदुस्तानी है, इसी भूखंड के लोग हैं, इसी भौगोलिक क्षेत्र के लोग हैं, आप उनको उनसे कैसे जोड़कर देख सकते हैं? नहीं बिल्कुल, आपको एक बात का इल्म है कि आज भी अरबी मुसलमान जो है, जो अरब देशों में रहते हैं, वो भारतीय मुसलमानों को अपना नहीं मानते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तमाम जितने मुस्लिम देश हैं, 56 मुस्लिम देश हैं, 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भारतीय मुसलमानों को अपना नहीं मानते। भारतीय मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो हिंदुओं के भाई हैं। अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान हमारे आदर्श हैं, उनके जैसा बने, जब इनका आदर्श बिल्कुल होगा, जब इनका आदर्श बुरहानवानी होगा, जब इनका आदर्श आतंकी होंगे, तो निश्चित रूप से उनका विरोध हम करेंगे और हर मंच पर करेंगे। और जब हमारी बहु बेटियों को उसी केरल के अंदर में धर्म लव जिहाद करके लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें अफगानिस्तान और थट्टा जैसे आतंकी कैंपों में भेज करके उनको आतंकी बनाया जाता है और भारत के खिलाफ एक टूल्स की तरह, ठीक है गौरव जाता है, तो इसको हर मंच पे उजागर करने का भी काम हमारा है, उसके भी उजागर करेंगे, इन्हें भी करना चाहिए। ठीक है गौरव मिश्रा साहब, आपकी बात ठीक है गौरव मिश्रा साहब, भारत के प्रति समर्पित गौरव मिश्रा साहब वही करना चाहिए। ठीक है गौरव मिश्रा साहब, आपकी बात पूरी हो गई। आपकी बात से एक बात बता दूं कि आप बार बार आतंकवाद का जिक्र करें, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये स्पष्ट और साफ आपने कार्यक्रम में ये बात बता दूं। इसके साथ ही आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपको क्या लगता है कि आप ही लोग हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है? धर्म का बार बार क्यों पकड़ा जाता है पूरे दुनिया में? ठीक है, आतंकवाद का धर्म तब आता है जब नैरोबी में हथियार पूछ करके उसके ऊपर 47 से गोली चलाई जाती है। आतंकवाद का धर्म वहां पर आता है, हमने कभी नहीं कहा। महात्मा गांधी को मारने वाले आतंकवादी थे, इंदिरा गांधी को मारने वाले आतंकवादी थे, मोहन सिंह को मारने वाले आतंकवादी थे, राजीव गांधी को मारने वाले आतंकवादी थे। अरे बता दो तो हमको उनकी जाति कौन सी थी? इन चारों महामानों को मारने वालों की जातियां बता दीजिए ना, मुझको। अरे महात्मा गांधी जी को मारने वाले कौन थे आप बता दीजिए ना मुझको। इंदिरा को मारने वाले कौन थे? राजीव गांधी को मारने वाले कौन थे? मोहन सिंह को जो मारने वाले कौन थे? देखिए 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 सुनिए सुनिए गौरव मिश्रा साहब और शाहबुद्दीन साहब और गौरव मिश्रा साहब, आप दोनों की ऑडियो डाउन कराने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि दोनों लोग अगर एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो दर्शकों तक आपकी कोई भी आवाज क्लियर नहीं पहुंचेगी,
तो कृपया डिबेट का डेकोरम बनाए रखें। अब मैं सीधे कीर्ति निधि पांडे साहब की कोई जाति नहीं होती। शाहबुद्दीन साहब दो मिनट और भी लोग मौजूद हैं इस डिबेट इस मंच में, उनको भी बात करने का मौका दीजिए। कीर्ति निधि पांडे जी, गौरव मिश्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता साहब तो सीधे कह रहे हैं कि उन्हीं ने सब कुछ एक्सपोज किया है, उन्हीं ने हर जगह चोट की, उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ा है, उनकी सरकार ने धर्मांतरण के मामलों पर पर्दाफाश किया है, सब कुछ उन्हीं ने किया है। अगर सब कुछ वही करते हैं तो आप क्या करते रहे इतने सालों तक? देखिए कावेंद्र, क्योंकि आपकी आपकी कीर्ति निधि साहब टोकना चाहूंगा, टोक एक, एक अपनी बात पूरी कर लूं, क्योंकि आपका जो आज नरम रवैया है, आपने सीधे तौर पर कह दिया कि जो गिरफ्तारी हुई है मौलाना कलीम सिद्दीकी की, वो एक आम मुसलमान थे, तो इस बात को क्यों ना माना जाए कि जब आपकी सरकार रही होगी तब भी आपका यही नरम रवैया रहा होगा। हमने हम कावेंद्र जी किसी को इस बात की इस देश में इजाजत नहीं है कि किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण कराए, और अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई करे उसके पक्के सबूत हो तो उनके खिलाफ एक्शन भी हो, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी। लेकिन सवाल है, कभी मैं फिर दूसरे मुद्दे पे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि विषयांतर हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कावेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बाद भी कोई अपराधी है कि नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? और ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने एक लिस्ट जारी किया था एक जाति विशेष के अपराधियों की, और कहा था कि इनकी गिरफ्तारियां कब होंगी। आखिर उनकी गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं करा पाए? ब्राह्मण अपराधियों की हत्या हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, मुसलमानों में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ, मुख्तार अतीक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। जिस जाति के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके जाति के लोगों के खिलाफ जो उनके पार्टी के विधायक ने एक सूची जारी किया उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल कलीम सिद्दीकी नहीं, कई सिद्दीकी अभी जिंद बाहर आएंगे, ये चुनाव आने दीजिए, कई जिंद बाहर आएंगे, क्योंकि सरकार के पास कोई अपना एजेंडा नहीं। इनको फाकुल्ला खान नहीं दिखते, इनको अब्दुल कलाम साहब नहीं दिखते, इनको वीर अब्दुल हमीद नहीं दिखते, इनको हिंदुस्तान का हर मुसलमान आतंकवादी दिखता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है। और अफगानिस्तान के अंदर इनके प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और आप तालिबान को पूरा आतंकवादी देश कहने के बजाय उसकी मदद करने के लिए खड़े हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, इस पे गौरव मिश्रा जी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, नहीं गौरव मिश्रा साहब बिल्कुल जवाब देंगे इस पर, लेकिन उससे पहले आपने मेरे लिए भी सवाल किया था कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके अलावा क्या और कोई मुसलमान नहीं है? आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये हिस्ट्री शीटर्स हैं, ये माफिया लोग हैं, तो इन पर अगर गिरफ्तारी होती है, इन पर अगर गाज गिरती है। नहीं समझा मेरा सवाल, आपने नहीं समझा, मैं कह रहा हूं मैं अतीक के पक्ष में हूं ना मैं उत्तार के पक्ष में, मेरे को पता है, मुझको अपनी बात पूरी करनी थी, मुझको पता है कार्रवाई हो। नहीं नहीं, मैं समझ गया, जाति विशेष सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ के विधायक देवमणि उपाध्याय ने एक सूची जारी किया था, ठीक है, एक जाति विशेष के लोगों का, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ठीक, जो उत्तर प्रदेश से बड़े नाम है। ठीक है कीर्ति निधि पांडे साहब, मैं आपका सवाल समझ गया था, अब गौरव मिश्रा जी आपका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अगर इन लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं तो ये सुर्खियां बनती हैं, ये अखबारों के फ्रंट पेज पर हेडलाइन बनती है, इसलिए चर्चा गर्म हो जाती है। इसके साथ ही आपने ब्राह्मण लोगों की हत्या की बात की, विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी की अगर हत्या होती है तो इससे किस बात को लेकर आपके सर में दर्द होने लगता है? ये तो अच्छी बात है, अगर एक दुर्दांत अपराधी है तो उसकी हत्या होगी, उसके नाम के आगे सरनेम क्या लिखा है उससे क्या फर्क पड़ता है? अब गौरव मिश्रा साहब आपकी बात का जवाब देंगे। मैं फिर विकास दुबे की भी मदद नहीं कर रहा हूं, मैं तो खुशी दुबे की बात कर रहा हूं, जिसकी शादी दो दिन पहले मरदुबे से हुई थी, आज भी वो बिटिया जेल में है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, उसके साथ जो अन्याय कर रहे उत्तर प्रदेश की सरकार। खुशी दुबे, उस खुशी दुबे का क्या दोष है? खुशी दुबे के, खुशी दुबे का, खुशी दुबे जेल में क्यों है? कोई आपराधिक रिकॉर्ड आपके पास हो तो बताइए। खुशी दुबे जी जेल में क्यों है, इस मुद्दे पर ये बहस नहीं है, इस पर कभी और बहस करेंगे तब आपको फिर आमंत्रित कर लेंगे। लेकिन गौरव मिश्रा साहब आपकी बात का जवाब देंगे, चेहरा भारतीय जनता पार्टी का बताना पड़ेगा। ठीक है गौरव मिश्रा साहब आपकी बात का जवाब देंगे, गौरव मिश्रा साहब जवाब दीजिए इनकी बात का। ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आप लोग सिर्फ मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़कर जेल में डालते हैं, जबरदस्ती आप मुसलमानों को तंग करने का काम करते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है उनके प्रवक्ता का, आप जवाब दीजिए। देखिए समाजवादी पार्टी की जो सच्चाई है वो जनता के सामने है, इसलिए जनता ने इनको हाशिए पे बिठाया है।
ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने आप सीएम थे छोड़ने के लिए सदन के अंदर बिल लाया वनवास काटने के बाद सत्ता मिली है और इसके बाद 2022 साल वनवास होगा बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था 14 साल बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था जनता पार्टी की बात हुई थी ठीक है ठीक है अब बार 28 साल का वनवास होगा करिएगा 2022 के बाद फिर नंगा तांडव अपराध का चलाइएगा साम्राज्य चलाइएगा आपको छूट है उसके बाद लेकिन अभी आप हमारी बात सुन लीजिए आप अभी हमारी बात सुन लीजिए ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकियों को छोड़ने के लिए सदन में बिल लाया था हाईकोर्ट के रोक कर हाईकोर्ट के ऑब्जेक्शन पर वो बिल रोका गया था नहीं तो इन लोगों ने बेगुनाहों को मारने वालों को मर्यादा करने का उन्हें महिमा मंडन करने का काम किया है ये वही लोग हैं जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग हैं अपराध का नंगा तांडव गंगा साम्राज्य पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने वाले ये लोग हैं इसलिए इनसे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये देश हित में प्रदेश के हित में जनता के हित में कोई कार्य कर सके और इनको मैं विश्वास कर रहा हूँ ये कहना चाहता हूँ 2022 में भी जहाँ ये दिल से और नीचे जाएंगे 325 350 का आंकड़ा हमारी सरकार पार करेगी और ये खुशी दुबे की बात करते हैं ये जांच न्यायालय में जांच छुड़ाने के लिए कानूनी मुद्दा है ये कितनी बार गए उस विषय को लेकर के ये कम से कम जनता इस तरीके का हरियाली हटाने का काम और विक्टिम कार्ड खेलने का काम न करें जनता के सामने चिंता मत करिए उनको बात रखने दीजिए गौरव मिश्रा जी समाजवादियों का नमाजवादियों का असली चरित्र है ये जब बोलते हैं तो कोई ना बोले लेकिन जब दूसरा बोलेगा तो ये उसको रोकेंगे यही इनका संस्कार है यही चरित्र है ठीक है आप दोनों लोग आप देखिए पूरे प्रदेश की जनता आपको देख रही है गौरव मिश्रा साहब कीर्ति निधि पांडे साहब आप दोनों मुख्य पार्टियां हैं प्रदेश की एक सत्ता में पार्टी है विपक्ष का मुख्य चेहरा है आप ही दोनों लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर प्रदेश की जनता आपको देख रही है आप इस तरीके से अगर लड़ेंगे अपनी बात को क्लियरली सामने नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा चलिए आप दोनों लोग थोड़ा सा विश्राम करिए शाहबुद्दीन सैफी साहब के पास आता हूँ सैफी साहब ये बताइएगा कि एटीएस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने खुद कहा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आप पहले वो सुन लीजिए और बड़े ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है फिर हम सीधे आप पर आएंगे उनकी बाइट को सुनिए उन्होंने क्या कहा है लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहां मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है फर्दर जो विवेचना के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है पूरे प्रकरण को सुपरवाइज करने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है ये मूलतः मौलाना कलीम मुजफ्फरनगर के गांव फूलत का रहने वाला है और प्रारंभिक शिक्षा वहां के एक मदरसे में हुई इसके बाद से पिकेट इंटर कॉलेज खतौली से विज्ञान में इसने इंटरमीडिएट पूरा किया और मेरठ कॉलेज से बीएससी इसने किया है तथा पीएमटी की प्रवेश परीक्षा भी इसने उत्तीर्ण की थी लेकिन इस्लामिक साहित्यकारों से प्रभावित होने तथा अन्य कारणों से एमबीबीएस करने के बावजूद के बजाय ये यहाँ दारुल उलूम नदवा से इसने आगे की शिक्षा हासिल की है उम्र लगभग 63 से 64 वर्ष है सितंबर 1957 की डेट ऑफ बर्थ बताई गई है इसके द्वारा जो लिंक्स यूज़ किए जाते हैं साहित्य और वीडियो के लिए ये भी आपके लिए इस प्रेस उसमें रखी गई है इसको मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा तथा इसके फोटोग्राफ भी मैं जो कलर्ड हैं वो ग्रुप में डाल दूंगा तो दर्शकों ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब थे जिनको आप सुन रहे थे वो बता रहे थे कि यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण केस के सिलसिले में मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है कलीम सिद्दीकी को मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब बता रहे थे कि कैसे
वो विदेशों से फंडिंग लेकर यहां पर अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे थे। कैसे वो विदेशों का सहारा लेकर देश में अपना जो जिहाद था उसको कायम करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। और बताया है कि अभी तक वो 5 लाख से ज्यादा लोगों को उनका धर्मांतरण करा चुके हैं। तो ये कितना बड़ा, कितना गंभीर मुद्दा है, कितना गंभीर मुद्दा होता है ये। अब वापस चलेंगे डिबेट पर, हमारे मेहमानों के पास वापस चलते हैं। अब शाहबुद्दीन साहब, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने कहा है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उन पर 5 लाख से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का उन पर आरोप है। कहा गया है कि उन्हें विदेशों से फंडिंग मिलती थी इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और 15 साल से लगभग वो ये काम कर रहे थे। तो शाहबुद्दीन साहब, आप ये बताइए कि अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये बात कह रहे हैं तो आप इस बात को मानने में आपको क्यों परेशानी आ रही है? आपने अपने मन में एक जो नैरेटिव सेट कर रखा है कि सरकार ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साफ साफ बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि ये शख्स 15 सालों से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, तो आप उनकी बात को क्यों नहीं मान पा रहे? देखिए, मैं उनकी बात मानने के लिए मने नहीं कर रहा हूं, ठीक है। प्रशांत कुमार जी मेरे यहाँ गाजियाबाद में SSP रहे और मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। और दूसरी रही सबसे बड़ी बात, देखिए कानून अपना काम करता है, कानून को जो साक्ष्य होते हैं वो कोर्ट में साबित करने होते हैं। अभी किसी को हम आतंकवादी या अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसमें साक्ष्य साबित नहीं हो गए, ठीक है। प्रशासन ने अपना काम किया है, आतंकवादी नहीं, आरोपी जो होता है, सुनिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। देखिये धर्मवर्तन, मैंने पहले भी कहा है कि आदमी स्वयं अपनी मर्जी का इच्छेदार होता है, और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो कानून उसमें जांच करे और जांच करके जो दोषी है उसको जेल भेजे जी। कौन सी मने कर रहा है उसको, कौन मने कर रहा है? मगर उसको पोपुलराइज करने की जरूरत नहीं है, उसको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी अपराधी है तो एक आदमी नहीं हो सकती, एक आदमी को पूरी मुसलमान कौन से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। साहब अगर आप इस चीज का विरोध ना करते तो यह इशू क्यों बनता? अगर समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ प्रवक्ता साहब बैठे कीर्ति निधि पांडे साहब, ये अगर विरोध ना करते तो इशू क्यों बनता? गिरफ्तारी हुई सीधा जेल में, आप ही तो इशू करा रहे हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं आप मुसलमान है, गिरफ्तारी गलत हुई है, आप लोग इशू बना रहे हैं। इशू जैसी कोई चीज नहीं। सेंगर को आज तक बीजेपी आखिर तक बचाती गई जब तक वो पूरे परिवार नहीं मरा, आप उसको बेगुनाह बताते रहे। अगर आदमी किसी के साथ, अगर किसी को बचाने के लिए कोई आदमी उसकी पैरवी कर रहा है या उसकी बात कह रहा है तो उसका विरोध होने का मतलब क्या होता है? ये कानून का काम है ना, उसको साबित कीजिए ना कोर्ट में, आप उसको कोर्ट में अपराधी साबित कीजिए। अगर वो अपराधी है तो सजा होगी, जेल देगा, उसको इशू बनाने का क्या मतलब हो जाता है? ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी प्रक्रिया है, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट के सामने जाएगा, उसका मुकदमा चलेगा, अगर वो दोषी होगा तो कोर्ट उसे दोषी करार देगी। समस्या यहाँ है कि आप लोग इसको इशू बना रहे हैं, अभी इशू बनाने की क्या जरूरत? हमने कहा इशू बनाया, हम कौन सा इशू बना रहे? आप ही तो कह रहे हैं गलत है, सरकार गलत कर रही है, सरकार ने आम मुसलमान, वो सामान्य मुसलमान है, आप उनको सामान्य आम मुसलमान क्यों बता रहे हैं? मेरा सवाल ये है, अभी किसी आदमी को बंद किया गया, क्या ईसाई धर्म परिवर्तन नहीं है हिंदुस्तान में? क्या ईसाई धर्म परिवर्तन नहीं है? आप कर्नाटक में जाके देखिए, आप चेन्नई में जाके देखिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, क्या ईसाई धर्म परिवर्तन नहीं होता क्या? तो ईसाई धर्म परिवर्तन इज ओके और मुस्लिम धर्मांतरण जो होता है वो ओके है, ईसाई धर्मांतरण से आपको समस्या है, लेकिन मुस्लिम में अगर धर्म परिवर्तन होता है, हिंदू का अगर मुस्लिम बनाया जाता है उससे आपको समस्या नहीं है। आप ईसाई धर्मांतरण को अगर गलत मानते हैं, धर्मांतरण को हर तरीके का गलत, देखे मुझे दोनों ही गलत है, दोनों ही चीज गलत है, दोनों को नहीं होना चाहिए। मगर उसको एक आदमी को आप बोलते हैं दोषी है, दूसरे के लिए आप कुछ नहीं बोलते। आपने कहा कि ईसाई में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है,
तो आप कह रहे हैं कि ठीक है वहां अगर हो रहा है तो यहां भी होने दो, ऐसा कुछ है? बहुत सारे लोग जो मुसलमान हिंदू है, अरे जो हिंदू मुसलमान है बहुत हिंदू बनते हैं, क्यों नहीं बनते? उसको कोई नहीं इशू बनाता। अभी शामली का एक गांव तो वहां पूरे का पूरा परिवार हिंदू हुआ है, उसको हम क्यों गए? उसका मर्जी थी, वो जाए, हमको कौन रोकेगा? उसको मर्जी वाले को कोई नहीं रोकता। दिक्कत है, मर्जी वालों को कोई नहीं रोकता। यहाँ पर अवैध धर्मांतरण की बात हो रही है, जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन कराया गया उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए कानून, सर उसके लिए कानून बैठा है ना? कानून बैठा है, कानून ने अपना काम किया है, कानून ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। आप उनको आम मुसलमान कैसे बता रहे हैं? मौलाना कलीम सिद्दीकी आरोपी है, हाँ या ना? जिस आदमी ने जुर्म किया वो आरोपी है, ठीक है? तो आपने आम मुसलमान क्यों कहा? आपने क्यों कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक आम सामान्य मुसलमान है जिनको साजिश के तहत गिरफ्तार किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आरोपी है, देखिए आरोपी है, मगर उसका जुर्म साबित होने तक वो सिर्फ आरोपी है, गुनहगार नहीं है। गुनहगार नहीं है जब तक आरोपी तो है, कोर्ट में आरोपी तो है, आरोपी तो है, आरोपी तो है तो गिरफ्तारी हुई है, आरोपी तो है तो गिरफ्तारी हुई है। साबुद्दीन साहब आरोपी तो है तो गिरफ्तारी हुई। सुनिए सुनिए, अभी शांति भंग कीजिए, आरोपी वो भी 151 में, अभी आप शांति भंग कीजिए वो भी आरोपी है। ठीक है, ठीक है, आरोपी है, आरोपी है, ठीक है। शाबुद्दीन साहब, कलीम सिद्दीकी जो है वो आरोपी है, पुलिस ने पकड़ा है, कलीम सिद्दीकी जो है, कलीम सिद्दीकी जो है वो आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, आपको इससे कोई समस्या नहीं? सर गिरफ्तारी हुई तो आरोपी, अगर गिरफ्तारी हुई है, अगर चुनाव एफआईआर हुई है तो आरोपी है, मगर मुजरिम तब होगा जब उसमें गिरफ्तारी सबूत साबित हो गए, ये सब साबित होगा कोर्ट में, तब वो अपराधी होगा, तब अपराधी होगा, आरोपी है। अभी किसने कहा कि वो अपराधी है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वो आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया गया, कोई समस्या नहीं ना इससे? आरोपी नहीं, हमको कोई समस्या नहीं, ठीक है? तो फिर बात खत्म, आरोपी है, गिरफ्तार किया गया, आपको कोई समस्या नहीं है? आरोपी है, गिरफ्तार किया गया, आपको कोई समस्या नहीं है? आपकी बात हो गई खत्म, आपको कोई समस्या? ठीक है, अब मैं आता हूं जरा समाजवादी पार्टी से बात कर लेता हूं। यहां पर मुस्लिम स्कॉलर साहब बैठे हुए थे, उनको तो कोई समस्या नहीं है, वो कह रहे हैं हमें कोई समस्या नहीं है, आरोपी है, गिरफ्तार किए गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काहे दिक्कत है कावेंद्र जी? आपके दिल में इतना दर्द क्यों है? हमसे ज्यादा तो दर्द आपको लग रहा है, आप बराबर इस बात को साबित करने में लगे हैं कि विपक्ष उनका उसका विरोध कर रहा है। कावेंद्र जी आप बात को समझने की कोशिश करिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि धर्मांतरण जबरदस्ती कोई किसी का नहीं करा सकता, और अगर कोई किसी का करा रहा है तो कानूनन जुर्म है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी जी चलिए आपकी शायद, चलिए ठीक है, आपकी शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। चलिए गौरव मिश्रा साहब के पास चलते हैं। गौरव मिश्रा साहब, दोनों ही लोग, जहां एक तरफ मुस्लिम स्कॉलर साहब जो हैं शाहबुद्दीन सहपी साहब, उन्होंने तो साफ कह दिया कि ठीक है आरोपी है, गिरफ्तारी हुई है, कोई समस्या नहीं है, आरोपी जो भी हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको धर्म से नहीं देखा जाना चाहिए। तो यहां पर शाहबुद्दीन सैफी साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है कि मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई इससे मतलब नहीं है, आरोपी है तो गिरफ्तारी हुई है, दैट्स ओके एंड फाइन। आप बताइए गौरव मिश्रा साहब कि समाजवादी पार्टी के जो कीर्ति निधि पांडे हैं वो अभी भी लगातार अपनी बात पर अड़िग हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए, लेकिन बीजेपी जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू टारगेट मुस्लिम्स, वो मुस्लिम को टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहां पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार करवाया, उनका सीधे कौन कहना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में चल रही है, और बिना जाति धर्म का भेदभाव किए सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिला है और सभी उसके लाभार्थी हैं, तो हमारा तो चाल चरित्र और कर्म स्पष्ट है, साफ है, उसके रिकॉर्ड सामने दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की पीड़ा यह है कि उसको वोट का दर्द है, उसके पेट में वोट का दर्द है, अल्पसंख्यक वोट का दर्द है, इसलिए वो चिल्ला रही है। शाहबुद्दीन जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यदि कोई आरोपी है तो वो गुनाहगार नहीं है, और ना ही इसको वितंडा करना चाहिए, इस इशू को बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या वहां खड़ी होती है जब सलाउद्दीन शेख जैसा व्यक्ति आज से साल भर पहले पकड़ा जाता है और लगभग 150 करोड़ की फंडिंग आती है भारत के अंदर में, और वो 103 मस्जिदों तक जाती है इसी सॉफ्ट रूट के माध्यम से, और पूरे देश में
एक स्लीपर सेल का एक नया नेटवर्क स्टेब्लिश किया जाता है और पीएफआई जैसे संगठन का नाम जुड़ता है, विदेशी आतंकी संगठनों का नाम जुड़ता है, और अभी अभी आपने देखा 6 आतंकी गिरफ्तार हुए, उसमें से 2 फट्टा जैसे खतरनाक कैंप में ट्रेनिंग लेकर के आया हुआ है भारत के अंदर में, तो वहां पर प्रश्न उठता है। और उसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, तो ऐसे तो गौरव मिश्रा साहब हिंदू लोग भी हैं जो गिरफ्तार होते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है जो कि आईएसआई को यहाँ के कुछ इंटेलिजेंस कुछ सबूत उनको भेज रहा था, उनके पास कुछ चीजें भेज रहा था, सप्लाई कर रहा था, और वो हिंदू था, तो उसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र कहां से आ गया? नहीं बिल्कुल, हमने तो ओपनिंग कमेंट में ही बोला कि ये बहुत चंद लोग हैं, पूरी की पूरी कौम नहीं है, जिसकी वजह से चंद लोग हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी कौम बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन यदि जो सत्य है उसको सत्यता के साथ कहना भी जानता हूं, उसको डंके के चोट पे सत्यता के साथ कहूंगा, क्योंकि जब नैरोबी में केनिया के मॉल में कलमा पूछ पूछ करके मारा जाता है तो वहां धर्म का उपयोग किया जाता है, उसका भी विरोध शहाबुद्दीन जैसे इस्लामिक स्कॉलर को करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये देश की अरे आप लोग करते क्या हो, हिंदुस्तान में नाम पूछ पूछ कर मारते हो, मैम लिंचिंग करते हो, अरे आप में उसमें कौन सा फर्क हो गया? आप भी तो वही करते हो, आप भी तो वही काम करते हो, आप भी तो मॉब लिंचिंग करते हो। अगर वो लोग वहाँ पे कम है तो आप भी तो यही करते हो। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को पूछा क्या कि उसने जय श्री राम के नारे मरवाए, अल्लाह ऊपर मरवाया, आप जय श्री राम के नाम पे लोगों को मारते हो, आप कौन सी बात करते हो? आपको शाहबुद्दीन साहब यहीं पर रोकना चाहूंगा, शाहबुद्दीन साहब और गौरव मिश्रा साहब, आप दोनों लोगों को यहीं पर रोकना चाहूंगा, आप दोनों ही लोगों को यहां पर रोकना चाहूंगा। समय जो है उसकी सीमा होती है, इसलिए सीमाओं में बंधे हुए हैं, इसलिए आप दोनों को रोकूंगा। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि शाहबुद्दीन सैफी साहब, जैसा कि आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर आप मॉब लिंचिंग करते हैं, जय श्री राम किसी की बपौती नहीं है, जय श्री राम देश का बच्चा, मैं आप हर कोई, क्योंकि राम इस देश की आत्मा में है। ये 5000 साल पुरानी देखिए कहानी है, देश की आत्मा के राम, देखिए राम मेरे भी है, राम आपके भी है, जय श्री राम आप भी बोलते हैं, जय श्री राम मैं भी बोलता हूँ, जय श्री राम साथ बोलते हैं, लेकिन किसी भी ये राम का इस्तेमाल करते हैं, ये राम का नाम का इस्तेमाल करते हैं। शाहबुद्दीन सैफी साहब जय श्री राम किसी भी पार्टी की, राजनीतिक दल की, किसी भी विचारधारा की बपौती नहीं हो सकता। ये यहाँ के 137 करोड़ लोगों का, 137 करोड़ लोगों का, हम उनको ये किसी की बपौती नहीं है, किसी पार्टी की या किसी की बपौती नहीं है, ये भारत की आत्मा में है। राम मेरे भी है, राम आपके भी है, राम गौरव मिश्रा साहब के लिए हर कोई जैसे राम बोल सकता है। इसी के साथ समय की सीमाओं के कारण आप दोनों को यहीं पर रुकना चाह रहा हूं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ कीर्ति निधि पांडे साहब जो थोड़ा सा पहले हमसे रुखसत हो गए, उन जो हमसे पहले थोड़ा सा डिबेट से चले गए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाता हूं कि जब देश में धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बात होती है, चर्चा होती है, जब अवैध धर्मांतरण पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो इसमें इसको हिंदू मुस्लिम से क्यों बांटा जाता है? और यहां पर सेक्युलर लॉबी, ये लिबरल गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहां जाकर छिप जाते हैं? कौन सा सांप इनको काट लेता है या सूंघ लेता है जो इनकी आवाज का वजन, इनकी आवाज की बोली और इनकी धार्मिक गोली सब शांत हो जाती है? कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।